सवाल ढूंढे जवाब पाए, बात बात की हम तक जाए, सोच समझ के होश जोश में, हाँ खेल खेल में समझे समझाए। हो सकता है कि मैं किसी चीज को दूर से खींचू और वो मेरी तरफ खींची चली आए? हाँ, रस्सी से। अरे बिना रस्सी और बिना धागा, अब बोलो। तुम नहीं, पर है कुछ जो खींच सकता है छुए बिना। इंडिया गेट पर खड़ा है खुदबुद, इंडिया गेट जो सलामी देता है भारतीय सेना को। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद वीरों के नाम इस दीवार पर और उनके सम्मान में जलती हमेशा अमर जवान ज्योति। दिल्ली के बीचों बीच है इंडिया गेट और उसे सलाम कर खुदबुद रवाना दक्षिण दिल्ली की ओर। आज साकेत के ज्ञान भारती स्कूल में होगा खेल विज्ञान का। ये खेल करके सोचने समझने का। ये साइकिल का स्पोक है और ये मैग्नेट है, दो रिंग मैग्नेट्स हैं। इसको अंदर डाल देंगे। हर के हाथ में साइकिल की तीली लोहे की और दो दो रिंग मैग्नेट। ये खेल दो और दो चार करने का। इसे स्वर करने की जरूरत है, एक बार जैसे कर दिया तो ये उसके बाद अपने आप चलता जाएगा। ये आयरन की रॉड है, ये उसके साथ मिल जाती है और जब ये मिल जाती है तो दोनों चिपक जाते हैं। एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव कर करके स्वर्ल करने लगते हैं, जिसके वजह से रोटेट करते हैं। मैग्नेट घूमते हुए आते हैं नीचे और तीली। मैम उसमें वाइब्रेशन हो रही थी। मैग्नेट पहले नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है। नीचे से ग्रेविटेशनल पुल भी है, लेकिन मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसलिए ये नहीं गिर पाता है। उसको नीचे और आयरन नहीं मिलता जाने के लिए, ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है और नीचे और आयरन है नहीं, इसलिए वहां पर स्टॉप रुक जाता है। खिलाड़ी तेज, सोचने की ताकत दिख रही है साफ। जैसे कि अगर मैं एक और मैग्नेट इस्तेमाल करूं, तो मैं इसे कहीं पे भी बीच में भी रोक सकता हूं। फिर मैंने यहां पे एक मैग्नेट रख दिया। That will also stop it. खेल आगे इसी खिलौने के साथ जुड़ेंगे कागज और मोती। कागज को काट कर बीच में छेद, मोती भला क्यों लगाया होगा? मीट इसलिए लगाया ताकि वो उसकी फ्रिक्शन को रोके थोड़ा। जिस पेपर के ज्यादा एजेस हैं वो ज्यादा रोटेट नहीं हो रहा और मुझे लगता है उसका ये रीजन है क्योंकि उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है। प्रश्न खुद उत्तर भी खुद, यही तो है देखकर करके सीखने की ताकत। पूरा आयरन होता है, पूरा मेटल जब वो भी वाइब्रेट होता है तो जो इसके बीड्स एंड पेपर सब रोटेट करने लग जाता है एंड ये नीचे जाके हम ये साथ रहते हैं, ये अलग नहीं होते, एंड में थोड़ा सा हो जाते हैं बस। आयरन स्ट्रिंग होती है वो वाइब्रेट होने लगती है जिसकी वजह से बीड वाइब्रेट होता है, और अगर और क्योंकि बीड पेपर के साथ लगा होता है तो पेपर भी रोटेट होता है। मैम वो इसलिए मैम क्योंकि ये स्ट्रिंग भी मैम घूमती है तो मैम वो पेपर भी साथ में घूमता है मैम। जब मैं इसको लूज छोड़ देता हूँ तो इसमें वाइब्रेशन ज्यादा आती है क्योंकि ये ऐसे ऐसे ज्यादा कर पाती है, और इससे ऐसा कर लूंगा तो ये ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगी, इसमें बहुत थोड़ी वाइब्रेशन ही आ पाएगी। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से भी घूमता है एक बार, तो अगर हम इसे ऐसे करके छोड़ते हैं
अगर हम इसे ऐसे करके छोड़ते हैं तो ये अभी घूम रहा है, अगर हम इसको बिल्कुल पकड़ भी ले टाइटली तब भी ये घूमेगा। साइकिल स्पोक, चुंबक, कागज का टुकड़ा और मोती, बस हो गया इंतजाम। समझ आ गए चुंबकों के बहुत से मूल नियम।